अब चाहे बाबू सोना का हाल पूछना हो या फिर मायके में बैठी बहू की बेटी से शिकायत करनी हो, चाहे नई दुल्हन का चुपके से अपने ससुराल वालों को सीक्रेट बताना हो या फिर बॉर्डर पार से अपनी डार्लिंग से बात करना हो, हर दिल के तार आपस में जोड़ता है ये फोन। तभी तो लोग इसे अपने दिल से लगा कर रखते हैं। और आज के समय में लोगों के फैमिली मेंबर उनके जिगर के टुकड़े हो या ना हो, लेकिन ये जो फोन है ना, ये उनके जिगर का टुकड़ा ही नहीं बल्कि उनका बॉडी पार्ट, हार्ट, किडनी, गुर्दा सब बन गया है। तभी तो इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है इस छुटकू से फोन की हमारी जिंदगी में। यशस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। ओ, छोटे फोन तो पहले हुआ करते थे, अब तो फोन भी इतने बड़े बड़े और शानदार हुआ करते हैं कि बस क्या ही कहा जाए। ऊपर से उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांस फीचर की तो बस बात ही क्या की जाए। कई बार तो ये फीचर इतने ज्यादा एडवांस होते हैं कि हमें भी इसे समझने में अच्छा खासा समय देना पड़ जाता है। अब बात कर लेते हैं मोबाइल के वेल नोन ब्रांड वन प्लस के बारे में, जो सीधा आईफोन को टक्कर देता है। इसका स्लिम लुक और मॉडर्न फीचर इसे टॉप फोन की लिस्ट में आगे लेकर आता है। लेकिन अगर आप अभी नहीं समझ पाए हैं कि आखिरकार इस फोन में इतना भी क्या खास होता है और इसमें कौन कौन से वो छोटे छोटे पार्ट्स असेंबल होते हैं जिसकी वजह से इनकी कीमत लाखों में पहुंच जाती है, या फिर कह लीजिए कि फैक्ट्रीज में इन फोन्स को कैसे बनाया जाता है, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो चलिए हमारे साथ और बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। फैक्ट्री में वन प्लस के फोन्स को बनाने के लिए सबसे पहले इसकी आउटर बॉडी को तैयार किया जाता है, जिसमें एल्यूमिनियम की एक बड़ी सी शीट को कटिंग मशीन की मदद से कई छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया जाता है। इस शीट में जरूरत के हिसाब से पेंच के लिए कई जगहों पर होल भी किया जाता है और कट भी कर लिया जाता है। अगले स्टेप में इन स्टील शीट के एजेस को और शार्प कर लिया जाता है। अब इन्हें एक बार पानी से वॉश कर लिया जाता है, जिसके बाद ये बनकर तैयार हो जाते हैं। अब बॉडी के बाद बारी आती है वन प्लस के स्क्रीन की, जिसके लिए ग्लास को मोबाइल के साइज के हिसाब से कट कर लिया जाता है। अब इन्हें एक स्टैंडर्ड शेप देकर उसे ऊपर से पॉलिश किया जाता है। और अब बारी आती है इनके क्लोनिंग की, जिसके लिए इन्हें पानी से साफ किया जाता है। और अब साफ करने के बाद इस स्क्रीन पर कोटिंग की जाती और इसे फाइनल स्टेप में पहुंचा दिया जाता है, जिसके बाद ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं। अब फोन को बनाने के अगले प्रोसेस में सबसे पहले LCD टच स्क्रीन का विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल इसलिए भी प्ले करता है क्योंकि स्मार्टफोन की ज्यादातर चीजें इसी पर डिपेंड करती हैं। अब अगले स्टेप में इन स्क्रीन को कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे भेज दिया जाता है, जहां इनके चारों तरफ गम लगाकर उसे मोबाइल की बॉडी और टच पैनल को आपस में जोड़ दिया जाता है। अब बारी आती है PCB यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को इसमें फिट करने की, जिसके लिए PCB पर सारे के सारे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स फिट कर दिए जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और अब इनकी सोल्डरिंग कर दी जाती है। लेकिन इस प्रोसेस में कोई पार्ट डैमेज ना हो जाए, इसके लिए ऊपर से पेपर टेप लगा दिया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में बारी आती है कैमरे की, जिसके बिना तो हमारा मोबाइल अधूरा है, जिसके लिए कई लोग बड़े महंगे महंगे फोन खरीदते हैं, तभी तो सोशल मीडिया में वो अपने आप को चमका पाएंगे। खैर, इस PCB बोर्ड पर फ्रंट और बैक कैमरे को फिट कर दिया जाता है और अगले स्टेप में PCB पर वाटर लेवल पेस्ट किया जाता है। ये एक व्हाइट कलर का स्टिकर होता है और इसी से मोबाइल की सर्विसिंग के वक्त पता चल जाता है कि मोबाइल पानी में गिरा है या फिर नहीं गिरा है, या फिर जो कस्टमर है वो बेवकूफ बना रहा है। खैर, क्योंकि पानी में गिरने के बाद इसका कलर व्हाइट से बदलकर रेडिश पिंक हो जाता है। अब बारी आती है इसके माइक्रोफोन की, जिसकी मदद से आवाज एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक पहुंचती है, और इसको बॉटम एंड पर यानी कि PCB में फिट कर दिया जाता है। अगले प्रोसेस में बारी आती है स्पीकर लगाने की। अब PCB बोर्ड में वाइब्रेटर भी फिट कर दिया जाता है। अगले स्टेप में LCD और टच पैनल से इस PCB को जोड़ दिया जाता है। अब मोबाइल बॉडी में साइड की तरफ वॉल्यूम और पावर बटन को फिक्स किया जाता है। मिडिल पार्ट में वाईफाई और GSM को फिट करने के बाद मिडिल हर्शिंग को सेमी असेंबल डिवाइस से कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद बारी आती है मोबाइल टेस्टिंग की, जहां पर सबसे पहले रेडियो फ्रिक्वेंसी टेस्ट की जाती है, क्योंकि इसकी मदद से ही हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं। अब जब एक बार रेडियो फ्रिक्वेंसी ओके हो जाती है, इसके LCD स्क्रीन को टेस्ट किया जाता है, जिसके बाद टेस्टिंग के अगले प्रोसेस में बारी आती है मोबाइल के माइक, स्पीकर, सेंसर, फ्रंट एंड बैक कैमरा और बाकी के पार्ट्स को चेक करने की। अब जब ये सारे के सारे पार्ट्स ओके हो जाते हैं, तब अब आगे बारी आती है इन मोबाइल फोन के स्क्रू को लगाने की, जिसके लिए एक रोबोटिक मशीन की हेल्प ली जाती है, जो मोबाइल फोन के हर पार्ट में स्क्रू लगाता है।
जिसके बाद हमारा स्मार्टफोन ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो जाता है। अब एक बार इनके बनने के बाद बारी आती है इनके पैकेजिंग की, जिसके लिए इन्हें पैकेजिंग यूनिट में भेज दिया जाता है, जहां इन मोबाइल पर इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी यानी कि IMEI लेवल लगा दिया जाता है, जिसके बाद एक ऑपरेटर के द्वारा बैग हाउसिंग लगाकर डिवाइस की असेंबलिंग को पूरा किया जाता है। अब इन्हें पूरी तरह से पैक कर दिया जाता है और ये मार्केट में बिकने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब आपने मोबाइल तो फैक्ट्री में बना लिया है, लेकिन बिना चार्जर के मोबाइल भी आपके किस काम का, है ना? तो आइए ये भी जान लेते हैं लगे हाथ कि फैक्ट्री में आखिरकार चार्जर को कैसे बनाया जाता है। देखिए, इन चार्जर्स को बनाने की प्रोसेस में सबसे पहले इनके अडॉप्टर के आउटर लेयर को बनाना शुरू किया जाता है, जहां पर प्लास्टिक के कच्चे रॉ मटेरियल, प्लास्टिक का दाना यानी कि HDPE और पॉलीमर को एक बड़े से कंटेनर टाइप मशीन में डाल दिया जाता है, जहां ये एक पेस्ट बन जाता है और नीचे की तरफ मशीन में लगी मोल्डिंग मशीन की मदद से मोबाइल चार्जर के शेप में बनकर निकल जाता है। अब जब एक बार ये केस बनकर तैयार हो जाता है तो इसके अंदर करंट के लिए प्लग को लगा दिया जाता है। अब बारी आती है सर्किट को बनाने की, जहां पर इलेक्ट्रिकल प्लेट पर एक मशीन की मदद से सर्किट की सभी वायर को इस प्लेट पर प्रिंट करके एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से इसे आगे भेज दिया जाता है। अगले स्टेप में एक मशीन के द्वारा इन सभी वायर को इस सर्किट प्लेट पर बड़ी ही तेजी से तैयार कर लिया जाता है। अब इसे कन्वेयर बेल्ट से आगे भेज दिया जाता है। अब कंप्यूटर पर इस सर्किट को चेक किया जाता है कि ये पूरी तरह से ठीक है या फिर नहीं। जब एक बार सर्किट तैयार हो जाता है तो इनके अंदर कैपेसिटर, इनपुट आउटपुट सब कुछ लगा दिया जाता है, ताकि हमारा चार्जर अपना असली काम कर सके, यानी कि भैया चार्जिंग का काम, और क्या करेगा ये। अब सर्किट को कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे भेज दिया जाता है, जहां पर कुछ वर्कर्स इन सर्किट बोर्ड में USB पोर्ट के लिए सोल्डरिंग करते हैं। अब बारी आती है इस सर्किट को चार्जर कवर के अंदर फिट करने की। इसे फिट करने के बाद USB वायर को भी फिट कर दिया जाता है। अब अगले स्टेप में बारी आती है इस चार्जर में इसके प्लग और पिन को फिट करने की। जब एक बार ये कंप्लीट हो जाता है तो इस चार्जर की टेस्टिंग की जाती है, जहां पर अगर सारी चीजें ठीक हो जाती हैं तो अब एक हाइड्रोलिक मशीन की मदद से कंपनी अपने नाम और लोगों की मुहर पोस्ट कर देती है, ठीक है। अब लास्ट में जब ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाती है तो चार्जर की पैकेजिंग की जाती है और इन्हें OnePlus के डिब्बे में पैक कर दिया जाता है, जहां पे लगता है कि वाह कितना बढ़िया ब्रांडेड चार्जर, जहां ये सेट के साथ बिकने के लिए पूरी तरीके से तैयार मिलता है। अब आइए इसी में ये भी जान लेते हैं कि आखिरकार फैक्ट्री में फोन में इस्तेमाल किए जाने वाले ईयरफोन्स को कैसे बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले कॉपर के बेहद ही पतले पतले तारों को एक मशीन में रोल किया जाता है, जहां पर ये मशीन इन सारे तारों को जोड़कर एक मोटा सा ईयरफोन का तार बना देती है, जहां अगले स्टेप में एक वर्कर के द्वारा इन तारों के ऊपर कपड़े की सिलाई की जाती है, ताकि इससे ईयरफोन की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। अब इन तारों को एक स्टैंडर्ड साइज में कट करके रख लिया जाता है। अब अगले स्टेप में हम ईयरफोन के अंदर मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमें आवाज प्रॉपर सुनाई दे सके, जिसमें कई सारे मैग्नेट को कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे की तरफ भेज दिया जाता है, जहां पर मशीन की मदद से हर एक ईयरफोन के अंदर दो मैग्नेट को सेट कर दिया जाता है। अब बारी आती है इसमें जैक लगाने की, जिससे हम इसे फोन में जोड़ सके, जहां पर लगभग 3.5 mm का जैक लगा दिया जाता है। इस जैक को लगाने से एक फायदा ये भी होता है कि ये किसी भी मोबाइल के अंदर फिट हो जाते हैं और उसे सपोर्ट करते हैं। अब ईयरफोन में ईयरबड को लगाया जाता है, ताकि हमारे कानों में आवाज अच्छे से पहुंचे और कोई डैमेज ना हो हमारे कान। अब बारी आती है इनके पैकेजिंग की, जहां पर पैक होकर ये मार्केट में बिकने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लो भैया ईयरफोन भी आ गया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको फैक्ट्री में OnePlus के फोन की मेकिंग के साथ साथ उसके चार्जर की मेकिंग और ईयरफोन की मेकिंग वाली वीडियो आपने बहुत एंजॉय की होगी। आज के लिए बस इतना ही। अपनी अगली वीडियो में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कुछ जोरदार फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस। तब तक के लिए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।